पिंक सिटी सहित पूरे प्रदेश में भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया गया। पारंपरिक रस्मों को निभाते हुए बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और भाई से रक्षा का वचन लिया। बहनों ने शुभ मुहूर्त में पूजा की थाली सजाई, जिसमें कुमकुम, अक्षत, रक्षा सूत्र, मिठाई, सूखा नारियल रखा। इसके बाद भाई के माथे पर प्रेम का टीका लगाया और आरती उतार कर रक्षा सूत्र बांधा। जयपुर में 5 से ज्यादा योग संयोगों में आज भाई बहनों के प्यार का फेस्टिवल रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं और उनके लंबी उम्र और कामयाबी की कामना कर रही हैं। भाई भी अपनी प्यारी बहन को गिफ्ट दे रहे हैं और हमेशा साथ निभाने का वादा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चियों में भी राखी बांधने का उत्साह देखते ही बना। भाई के सिर पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और प्यार से राखी बांधी। पर्व पर मंदिर से लेकर जेल और अनाथालय तक तस्वीरें देखने को मिली। आम से लेकर खास ने फेस्टिवल को अपने परिवार के बीच मनाया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने भी अपने भाई को राखी बांधी। रक्षाबंधन, मैंने अभी सोचा कि रक्षाबंधन हमारा बहुत प्राचीन काल से एक बहुत ऐसा त्यौहार है जिसके अंदर हमारी बॉन्डिंग्स रहती है, और मेरे बड़े भाई हैं, मेरे हमेशा एक गार्जियन के तौर पे मेरे सामने साथ में रहते हैं। मैं इतनी पॉलिटिकल लाइफ में बिजी रहती हूँ, फिर भी भैया हमेशा मुझे गाइड करते हैं, हर चीज़ बताते हैं। पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, समय बहुत फास्ट निकलता है। ममता जी हमेशा अपने व्यस्त कार्यक्रम में से चाहे कहीं पर ही हो, राखी के दिन हमेशा घर पे आके और राखी बंधवाती हैं, और हमारा आपस में बहुत स्नेह है। आज का दिन बहुत अच्छा है, इस बहाने सब परिवार वालों से मिलना हो जाता है, सब अपने बिजी टाइम में से त्यौहार के बहाने समय निकालते हैं। भाई बहन का त्यौहार है ये, तो सबके लिए बहुत पावन है, सभी को बहुत बधाई। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने बहने पहुंची तो उनका कहना है कि बचपन की सुनहरी यादों की मुस्कान का त्यौहार है, भाई बहन की खुशियों की मिठास है राखी। रक्षाबंधन एज एवरी वन सेड कि ये मिलने का एक मौका होता है, जब आप अपना प्यार एक दूसरे को वापस जताते हो, तो हाँ ये रक्षाबंधन के अलावा भी बाकी सब चीज़ों का एक अच्छा त्यौहार है, जैसे लगता है तो प्यार बांटा, ये सब अच्छा लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बुआ को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर आते हैं। मैं भी काफ़ी दूर से राखी बनाने आई हूँ, और यहाँ एक रक्षाबंधन बस एक त्यौहार है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे से मिल पाते हैं। कि आज का पर्व बहुत ही एक बहुत अच्छा पर्व है, हमारे सभी जितने भी भाई जिनकी बहन है वो बहुत भाग्यशाली हैं, और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि अपनी बहन की रक्षा करें, अपनी बहन का अंदर जो पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करें, और उसको उसकी लाइफ में रक्षा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करें ताकि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए। बहरहाल राखी के मौके पर घरों में बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों में भी नटखटपन, शरारत और चुलबुलापन दिखाई दिया। रिश्ते में मिठास भरने के लिए चॉकलेट के पैकेट्स, यादों को सदा के लिए पिरोने के लिए फोटो फ्रेम, प्रिंटेड पिलो कवर और फोटो प्रिंटेड कॉफी मग भी गिफ्ट किए गए। दीपक गोयल।